नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर लीजिए पेश है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चित कविता पहचान। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है या जहाँ से उसे खड़ा होना पड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुँचकर एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। कपड़ों की दुधिया सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। इसलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खरे अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरगोमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे दूसरा गढ़े, कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे। अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रख कर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने। मिथ्या अभिमान से न तने, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है, कुबेर की संपदा भी रोती है। आप सुन रहे थे आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चित कविता पहचान। जिंदगी लाइव में अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।